हिमाचल व केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम एसजेवीएन की 210 मेगावाट के निर्माणाधीन लोहरी परियोजना के खिलाफ परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। हिमाचल किसान सभा के बैनर तले प्रभावित 13 पंचायतों के लोगों ने जनधरना 29 अप्रैल से शुरू किया है और उनकी मांगे न माने जाने की सूरत में 10 मई के बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। प्रभावित क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सरकार व परियोजना निर्माता उनकी समस्याओं व हकों को नजरअंदाज कर रहे हैं। धरने पर बैठे किसान नेताओं ने बताया कि परियोजना निर्माण के दौरान निकले प्रदूषण से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। वहीं समझौते के अनुसार परियोजना प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। इसके अलावा पेयजल समस्या और अन्य विकासात्मक कार्य नहीं किए जा रहे। वहीं इस संदर्भ में लुहरी परियोजना प्रमुख आरएल नेगी ने बताया कि परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों की जो भी मांगे हैं उन पर व्यवस्थित नीति नियम के हिसाब से ही अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले फसलों के प्रदूषण से हुए नुकसान की मांग की जा रही है, लेकिन इसके लिए जिला कुल्लू व शिमला जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों की कमेटी बनाई है जो फसल नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी से भी निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द जो भी फसल का नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए ताकि परियोजना निर्माता प्रभावितों को उसका मुआवजा दे सके। प्रभावित किसानों की संघर्ष समिति है, ये धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कर रही है और इस धरना प्रदर्शन को हिमाचल किसान सभा पूरा समर्थन कर रही है और इसका सहयोग दे रही है ताकि इनकी जो उचित मांगे हैं, चाहे वो मुआवजे की हो, रोज़गार की हो, प्रदूषण की हो, या पीने के पानी की हो, या दूसरे विकासात्मक जो के लिए पैसा खर्च होना है, ये तमाम मांगे को लेके ये प्रदर्शन हो रहा है और ये जायज़ मांगे हैं, इसलिए हम इसका समर्थन कर रहे हैं। 29 तारीख से जो यहाँ पे जो एसजेवीएन दफ्तर के बाहर ये जो लूरी प्रोजेक्ट का जो निर्माण यहाँ पे हो रहा है और उससे जो 12-13 पंचायतें जो प्रभावित हैं उनकी मांग को लेकर ये 29 तारीख से जो यहाँ पे जो है ये जो मास धरना यहाँ पे हो रहा है और इसके अंदर जो इस प्रोजेक्ट के निर्माण से जो प्रभावित पंचायत है उनकी जो मांग है कि जो इस प्रोजेक्ट के निर्माण से जो धूल से जो किसानों का जो नुकसान हुआ है, सेब है, नाशपाती है, प्लम है, कि उसका जो मुआवजा जो किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन आज तक ये जो है एक साल से ज़्यादा का जो समय इस प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन जो किसानों का जो फसल का जो नुकसान हुआ है अभी तक जो है एक नया पैसा जो है किसानों को नहीं दिया गया। हमारा जो ये प्रदर्शन चल रहा है 29 तारीख से यहाँ पर जन धरना चला हुआ है एसजेवीएन के ऑफिस के बाहर। इसमें जो है हमारी 13 पंचायत है, 13 पंचायत हम जो मिलकर के इस धरने को जो है कामयाब बना रहे हैं। हमारी मांगें बहुत सारी है, जैसा कि आप लोगों को बताया भी है, नरोला गांव वो भी प्रभावित है, उनकी कोई आवाज़ नहीं है। भेड़ बकरी वाला मकसद है एक, वो है। दूसरा जो है मेरी पंचायत डेढ़ से जो है 900 मीटर का जो दायरा है, जो इनके जो है प्रायोरिटी दी गई है 900 एरिया तक प्रदूषण की। मेरी पंचायत या हमारे किसान सभा इनसे यही पूछती है कि मतलब क्या प्रदूषण 900 मीटर तक ही फैलता है या 900 मीटर से बाहर भी फैलता है। तो हमारा संघर्ष जो हमारी संघर्ष समिति है, किसान समिति है, ये जो है मतलब इस रैली के लिए जो है मतलब कामयाब बनाएंगे और जो हमारे 10 तारीख के बाद जो आने वाला समय है उसमें जो हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। तो मेरे यहाँ पे पार्षणी गांव में जगह में भेड़ बकरी लाते हैं वहाँ, जो कि इनके प्रदूषण से हमारी बकरी जो घास पत्ती खाती है उससे बीमार जैसे हो गए थे। तो जब बकरियाँ मरने शुरू हुए तो फिर हमने यहाँ भी काफ़ी बार आई इनके पास मरने से पहले भी, तो उस टाइम इन्होंने सही केयर नहीं किया। उस टाइम बोलते कि हमने एसडीएम से बात करके स्प्रे छिड़कने को बोला, ऐसा किया, ऐसे ऐसे इन्होंने मतलब बहाने मारते कि लोग। तो जब बकरियाँ ज़्यादा मरने शुरू हुई तो मैंने फिर उनका वो हॉस्पिटल ले जाके दवाइयाँ लाई, फिर उसका डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि साहब कि ए डस्ट के कारण, धूल के कारण ही मरी है। उसके बाद मैंने जो अपना वो जितने नग मरे थे उसका क्लेम मांगा है लोगों से, ऐसे ही टालते बोलते डीसी देंगे जैसे मतलब सरकार तय करेगी ऐसे करे, ऐसे मतलब टाल मटोल कर रहे हैं हमारी बातों को, ऐसे सीरियस में नहीं ले रहे हैं। ये परियोजना लूरी परियोजना जो है व्यवस्थित नीति नियम के कानून के हिसाब से ही चलाया जा रहा है
इन्होंने सबसे पहले मांगे रखी थी हमारे सामने पॉल्यूशन से रिलेटेड। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर कुल्लू और डिप्टी कमिश्नर शिमला ने एक क्रॉप कंपनसेशन कमेटी बना रखी है। उनके स्टेट गवर्नमेंट ही इसके गाइडलाइन के अनुसार क्रॉप कंपनसेशन की आंकलन करके वो लोग बताएंगे कि इसका कंपनसेशन कितना बनेगा। उसके लिए लूरी परियोजना बाधित है। रोजगार के लिए भी यही कहूँगा कि जो व्यवस्थित नीति नियम के अनुसार जो भी आरएनआर में अप्रूव हुआ है, अभी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का आरएनआर अप्रूव हुआ है, उसमें रोजगार जो ना जी क्षमता के अनुसार लोगों को दिया जाएगा पटेल कंपनी में, और थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ही रोजगार लोगों को दिया जा सकता।